तुम साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हो, वो तो पागलों का इलाज करते हैं, से लेकर तुम साइकाइट्रिस्ट की दवाइयाँ खा रहे हो, पूरे दिन बेड पर ही पड़े रहोगे। ऐसी बहुत सारी मिथ्स जो साइकाइट्री के संबंधी में और मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है आज हम बस्ट करेंगे। तो आज फिर से है हम आयुष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खारघर में और हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर विभावरी पाटिल जो यहाँ पर एक साइकाइट्रिस्ट है, और आज हम बात कर रहे हैं साइकाइट्री से रिलेटेड, साइकाइट्रिक मेडिकेशन से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड स्टिग्मा और जितने भी मिथ्स हैं उन्हें बस्ट करने के लिए स्वागत करते हैं डॉक्टर का और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा है कि साइकाइट्रिस्ट मेडिसिन या साइकाइट्रिस्ट की जो सर्विसेज है वो पागलों के लिए है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? साइकाइट्रिस्ट वो डॉक्टर होता है जो मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ रिलेटेड चीज़ों से संबंध रखता है। ज़रूरी नहीं है कि मेंटल हेल्थ इसका मतलब वो पेशेंट पूरी तरह से पागल ही होना चाहिए। पागल ये एक तरह से इस वर्ड में उसको बहुत डेरोगेटरी या बहुत हम स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। इसको बेहतर वे में कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, फिर वो कुछ भी हो सकता है। एक सीधा स्ट्रेस से लेके फैमिली प्रॉब्लम्स जो आपको परेशान कर रही है, पढ़ाई लिखाई की प्रॉब्लम्स से लेके, तो इस तरह के जो जिनको हम साइकेट्रिक इलनेस की हम लोग नाम देते हैं जैसे स्किजोफ्रेनिया या डिप्रेशन, यहाँ तक आता है। अब इसमें बहुत दूसरे भी मेंटल हेल्थ इशू आते हैं, अगर आपको वर्क रिलेटेड या ऑफिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपको आपकी मैरिटल लाइफ में इशू है। ज़रूरी नहीं कि आपको डिप्रेशन ही हो या एंग्जाइटी ही हो, लेकिन आपको आपके स्पाउस के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, उस वजह से आप मानसिक स्थिति में परेशान हैं, तो उसको भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ही कहा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि साइकेट्रिस्ट सिर्फ स्टार्क रेविंग जो मेंटल इलनेसेस है जैसे स्किजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलर, उसी का सिर्फ इलाज करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे या मोर देन 50% पेशेंट्स जो है वो हमको ये रिलेशनल प्रॉब्लम्स या स्टडी रिलेटेड, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, तो साइकेट्रिस्ट इन सब के साथ डील करता है। तो यूजली जब हम ड्रग्स की बात करते हैं जैसे अल्कोहल है, कोकेन है, बाकी सब ड्रग्स है, मैरिजुआना है, तो इन्हें हमेशा ही हम बुरा कहते हैं कि इनके एडिक्शन में नहीं पड़ना चाहिए। और जब हम दवाइयों की बात करते हैं साइकेट्रिक मेडिकेशंस, तो वो भी अपने आप में एक ड्रग है। तो एक पर्सन जो अपनी प्रॉब्लम से एस्केप करने के लिए इन ड्रग्स का सहारा ले रहा है और बेटर फील कर रहा है, और जो मेडिकेशंस के थ्रू बेटर फील कर रहा है, इनमें आप क्या डिफरेंस बताएंगे? देखिए, मेडिकेशंस पे जो पेशेंट है वो डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि वो रिसर्च से जो बैक्ड है, जो रिसर्च किए हुए ड्रग डोजेस है, जिस तरह से वो लेने चाहिए उस हिसाब से डॉक्टरों से वो दे रहे होते हैं। जो पेशेंट जैसे आपने कहा कोकेन, मरिजुआना या अल्कोहल ले रहा है, वो किसी भी मात्रा में और किसी भी तरह के ड्रग का या चीज़ों का सेवन करता है। दूसरी बात, साइकेट्रिक मेडिकेशन पेशेंट को ट्रीट करके उसकी बीमारी ख़त्म करके उसको वापस नॉर्मल बैक लाइफ या अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सके उसके लिए दी जाते हैं। वेरस जो एडिक्शन वाले जो ड्रग्स है जैसे कोकेन है, मरिजुआना है या MD है, वो रिक्रिएशनल ड्रग है, और जिससे बेसिकली आपने भी देखा होगा जो एडिक्शन रिलेटेड है, हमने डेफिनेशन में ही बोल दिया कि उसका वर्क अफेक्टेड रहता है, फैमिली लाइफ खराब होती है, पेशेंट मेन फ्लो से कट जाता है। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन साइकेट्रिक मेडिकेशन एंड ड्रग एडिक्शन, दे आर नॉट वन एंड द सेम। साइकेट्रिक मेडिकेशन पेशेंट को एस्केप कराने के लिए नहीं, उसको मेन फ्लो में लाने के लिए दी जाती है, जबकि ड्रग्स आप एस्केप करने के लिए लेते हैं। जो आपने कहा कि एस्केप के लिए नहीं होता है, फ्लो में लेके आने के लिए होता है, उसे कारगर बनाने के लिए होता है, तो यहाँ पे इसके साथ में ही पैरेलली काउंसलिंग की भी बात आती है। तो सिर्फ काउंसलिंग क्यों नहीं बहुत सारे केसेस में इफेक्टिव होती है, और क्यों इंटरवेंशन ज़रूरी हो जाता है साइकेट्रिस्ट का? देखिए, जब भी पेशेंट को हम डायग्नोस करते हैं तो कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, इस तरह के उसका जो कितना उसकी ग्रेविटी है ये हम पहले डिसाइड करते हैं। जैसे अगर माइल्ड एंग्जाइटी है या माइल्ड डिप्रेशन है, उसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट को कहते हैं कि आप साइकोथेरेपी और काउंसलिंग से सही होंगे या जो लाइफस्टाइल इंटरवेंशन है उससे सही होंगे। और मॉडरेट एंड मॉडरेट टू सिवियर, अगर उसके आगे माइल्ड से ज़्यादा अगर वो डिजीज़ की सिवियरिटी है, तब उसमें मेडिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है कुछ समय के लिए। इसके पहले भी मैंने कहा था कि साइकेट्रिक इलनेस का ट्रीटमेंट मल्टीप्रॉन्ग्ड होता है, उसमें पेशेंट को दवाइयाँ जिस डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, उसके बाद
उसके साइकोथेरेपी, काउंसलिंग और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये तीनों चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है. तो जब भी पेशेंट, अगर हमने अगर मॉडरेट डिप्रेशन या मॉडरेट एंजाइटी भी या सीवियर डिप्रेशन, सीवियर एंजाइटी भी अगर हमने उसको डायग्नोस किया, उसको फार्माकोथेरेपी मतलब दवाई गोलियाँ और साइकोथेरेपी दोनों साथ साथ इकट्ठा शुरू किया, पेशेंट रिस्पॉन्ड करने लगा, पेशेंट पूरी तरह से अच्छा हो गया, उसके बाद हम धीरे धीरे करके मेडिसिन बंद कर सकते हैं और उसको सिर्फ साइकोथेरेपी पे भी रख सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब साइकोथेरेपी एक्चुअली पेशेंट को ज़्यादा देर तक सिम्टम फ्री रखने के लिए कारगर होती है, लेकिन अगर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ साइकोथेरेपी काम नहीं करेगी, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है. तो एक व्यूअर का ये क्वेश्चन है कि उन्हें हमेशा ये सिखाया गया है कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करो और स्ट्रांग रहो, और वीक पर्सन ही होता है वो किसी का सपोर्ट लेता है. तो जब हम साइकेट्रिस्ट मेडिकेशंस की बात लेते हैं तो मेडिसिंस का सपोर्ट लेना, दूसरी तरफ रिलीजन हमें सिखाती है कि रेगुलरली मेडिटेट किया जाए, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया जाए, सोशल सर्विस की जाए, और ये हैप्पीनेस का कोर है, ये सब चीज़ों से हैप्पीनेस आती है. तो अगर मुझे पता है कि हैप्पीनेस इन सब चीज़ों से आती है और मैं रिलीजियस और स्पिरिचुअल और गॉडली होके और हैप्पीनेस की तरफ जा सकता हूँ, क्यों मेरे डिप्रेशन को मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट है? देखिए, मैंने कहा आपसे कि मेंटल इलनेस का किसी की पर्सनालिटी स्ट्रांग या वीक होने से कोई रिलेशन नहीं है. मैं स्ट्रांग पर्सन हूँ, मैं इसके पहले सबसे अच्छे मिलता था, फिर मुझे डिप्रेशन कैसे हो सकता है या मुझे एंग्जाइटी कैसे हो सकती. तो मैंने पहले भी कहा है कि मेंटल इलनेस किसी को भी हो सकता है. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उसका एक कंपोनेंट बायोलॉजिकल होता है, अगर आपको जेनेटिक प्रोपेंसिटी है तो उस वजह से मेंटल इलनेस को आप प्रोन होते हैं. सेकेंडली, हमारी सबकी लाइफ में स्ट्रेसेस होते हैं, हम उस स्ट्रेस से किस तरह से कोप करते हैं, किस तरह से हमने उस स्ट्रेस से कोप करना सीखा है, उसके ऊपर भी मेंटल इलनेस होना या ना होना निर्भर है. तो सिर्फ बात करके ख़त्म कर लो, अगर आपको जेनेटिक प्रोपेंसिटी है, अगर आपके दिमाग में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है, न्यूरोट्रांसमीटर बिगड़े हैं, तो सिर्फ बात करके वो कैसे सही हो जाएंगे? तो अगर आपका डिप्रेशन इट्स मोर टुवर्ड्स अ बायोलॉजिकल साइड, अगर आपको जेनेटिक प्रोपेंसिटी भी है और आपके स्ट्रेस से कोप करने के मैकेनिज्म्स फेल हो रहे हैं, तो आपको मेंटल इलनेस के लक्षण दिखना शुरू हो जाएंगे. तो सिर्फ रिलीजन या सिर्फ ये सारे चीज़ें प्रोटेक्टिव तो होती है, ये कहीं कहीं बहुत हद तक मेंटल इलनेस को कम करने में या उनसे डील करने में पेशेंट को बहुत मदद करती है, लेकिन सिर्फ वो हर बार कारगर नहीं होती. तो ये तो बेहतर आपको आपके डॉक्टर और आपको अपने इस पर भी होता, अगर इतना सब कुछ अगर सफिशिएंट होता तो मेंटल इलनेस के लिए स्पेशलिटी फील्ड ही नहीं बनती कभी. तो मैम, मेडिकेशंस काम करते हैं, इसका क्या प्रूफ है आज की डेट तक, और क्या रिसर्चेस हुए हैं या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, या जो लोगों ने मेडिकेशंस लिए कितना आपको सक्सेस रेशियो देखने मिला है मेडिकेशन जो यूज़ करते हैं उनके साथ? देखिए, हर एक मेडिसिन का सक्सेस रेशो अलग अलग होता है और साइकेट्रिक इलनेसेस को बहुत अलग अलग आयामों पे देखा जाता है. अब जैसे कोई भी डिप्रेशन जिसको हम भारत में देखते हैं तो उसके कल्चरल कोऑर्डिनेट्स अलग है. अगर यही डिप्रेशन आप वेस्टर्न कल्चर में देखेंगे तो उनका कल्चर डिफरेंट है. तो कौन सा पेशेंट कौन से मेडिसिन को किस हद तक रिस्पॉन्ड करेगा, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. मे बी मेरे 90% लोग अगर एक मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो बचे हुए 10% ना भी करें. तो ये एक चीज़ है, और ये सिर्फ साइकेट्री में नहीं है, हर दूसरे मेडिसिन के फील्ड में उतना ही कारगर है. लेकिन जब भी मेडिसिन रिसर्च होती है तो उसमें हमने देखा है कि मेजॉरिटी लोग एक पर्टिकुलर ड्रग टाइप को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं. तो वो ड्रग्स पॉपुलर होते हैं, वो तो क्लिनिकल प्रैक्टिस पेशेंट टू पेशेंट वैरी होता है. तो अक्सर लोगों का ये कहना है या मिसकंसेप्शन है कि साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ अगर मैंने खा ली तो पूरे दिन मैं बेड पे रहूँगा, सोता रहूँगा, मेरा काम अफेक्ट होगा और मैं लेथार्जिक हो जाऊँगा और मेरी पेस बहुत स्लो हो जाएगी. और साइकेट्रिस्ट के पास एक ही गोली है जो वो हर एक डिसऑर्डर के लिए या हर एक बीमारी के लिए देते हैं. देखिए, साइकेट्रिक मेडिकेशन कौन सी बीमारी के लिए है, ये कोई भी दवा उस हिसाब से काम करती है जो बिगाड़ आपके दिमाग में हुआ है. अभी मेजॉरिटी टाइम्स मेजर चंक जो है साइकेट्री में ज़्यादा करके केसेस आती है डिप्रेशन और एंजाइटी की. अब इनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है वो है सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन कुछ हद तक.
तो जहाँ पे सीरोटोनिन इन्वॉल्व है वहाँ पे हम SSRI ड्रग का यूज़ करते हैं, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब अगर डिप्रेशन और एंग्जाइटी दोनों में भी सीरोटोनिन इन्वॉल्व है तो दोनों में भी SSRI ही दिए जाते हैं। तो बहुत से पेशेंट्स हमको पूछते हैं कि डिप्रेशन के लिए भी वही दवा, एंग्जाइटी के लिए भी वही दवा, मैडम क्या आप सिर्फ एक ही दवा देते हैं? तो बेसिकली इट इज़ नॉट अबाउट मेडिसिन, इट इज़ अबाउट विच न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर इन्वॉल्व इन योर ब्रेन विच आर कॉजिंग दीज प्रॉब्लम्स। तो वो एक है। जब हमने साइड इफ़ेक्ट की बात की तो क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या हम पता लगा सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स को वही मेडिकेशंस या वही डोजेज का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और बहुत बेटर फील करते हैं और कई सेकंड दिन पे रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें बहुत नींद आ रही है या वो लेथार्जिक लग रहा है, ऐसा क्यों डिफरेंस होता है? देखिए, हर एक इंसान के शरीर अलग अलग होता है, उसी तरह उसके वो जो ड्रग खाने के बाद उसको प्रोसेस करने की क्षमता भी कम ज़्यादा है। जब भी हम कोई भी दवाई लेते हैं तो हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज करके शरीर के बाहर निकालती है, जैसे हम खाना या पानी वगैरह लेते हैं। अभी उसमें क्या होता है, आपका लीवर कौन सी रेट पे उस दवा को मेटाबोलाइज करके अपनी आपके शरीर के बाहर निकालता है, वो रेट हर एक इंसान का अलग अलग हो सकता है। सम जो कुछ पेशेंट्स होते हैं जो स्लो मेटाबोलाइजर्स होते हैं तो उनके शरीर में वो ड्रग ज़्यादा देर तक रहता है। तो अगर आप कोई पेशेंट को इस तरह के साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं या बहुत ज़्यादा लिथार्जिक लग रहा है या दवा का असर बहुत ज़्यादा देर तक रह रहा है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए। वो एक चीज़। आपने कहा कि ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि तो पेशेंट्स को लगता है कि एक बार मैंने दवा खाना शुरू कर दिया तो मैं पूरा दिन सोता रहूँगा या पूरा दिन मैं लिथार्जिक रहूँगा और कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो एक्चुअली ये मिसकंसेप्शन तब बना जब पुराने ज़माने के या ज़्यादा रिसर्च नहीं थे उस वक्त के मॉलिक्यूल्स जो 25-30-40 साल पहले थे, उस वक्त ये था कि उन मेडिकेशन का साइड इफेक्ट प्रोफाइल ही ऐसा था कि वो डिप्रेशन कम तो करते थे लेकिन नींद बहुत ज़्यादा लाते थे, उस वजह से पेशेंट कंटिन्यू नहीं करता था। अब उसमें रिसर्च होके नए मॉलिक्यूल्स ऐसे आए हैं, नए मेडिसिन जिसमें इस तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं होते या हर साइकेट्रिक ड्रग ऐसा कॉज नहीं करता। तो अगर आपको इस तरह का अगर कुछ दिख रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, तो वो आपके डोजेस चेंज करेंगे या आपका डोजेस शिफ्ट करेंगे जिससे आपको बेहतर लगे। मैम, एक मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर है कि साइकेट्रिक मेडिकेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी पर्सनालिटी को ही, उनके जो कोर बिलीफ सिस्टम है, वैल्यूज़ है, जो बिहेवियर को पूरी तरह से बदल के रख देगा। देखिए, कोई भी मेडिसिन में ये पावर नहीं है कि वो किसी इंसान की पूरी सोचने की क्षमता को पूरी तरह से चेंज कर दे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेशेंट्स के साथ अक्सर ये होता है कि वो सिर्फ दवा पे डिपेंडेंट होते हैं। मेजॉरिटी टाइम्स हमको मानसिक तकलीफ़ें हमारे खुद के कोपिंग मैकेनिज़म्स फेल होने की वजह से होती है। तो हमको नए और बेहतर कोपिंग मैकेनिज़म्स की तरफ जाना ज़रूरी है। लोग अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, वो नए तरीके से सोचना नहीं चाहते, प्रॉब्लम्स को नए तरीके से अप्रोच नहीं करना चाहते, वो पुराने तरह के कोपिंग मैकेनिज़म्स यूज़ करते रहते हैं जिस वजह से मानसिक तकलीफ बनी रहती है। और उस वजह से बिकॉज वो साइकोथेरेपी को ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते या उसमें ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहते, उस वजह से उनके जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है या उनके जो सोच में प्रॉब्लम्स है जिस वजह से उनको मानसिक तकलीफ होती है, वो बदलती नहीं है। तो वो मानसिक तकलीफ कॉज करने वाली चीज़ें वैसे की वैसी रहती है और फिर उस पेशेंट को लंबे समय तक दवा पे रहना पड़ता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल में, अपने कोपिंग स्किल्स में और साइकोथेरेपी में अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा तो वो ज़्यादा देर तक मेडिसिन फ्री रह पाएगा। मैम, कितना कॉमन या अनकॉमन है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या साइकेट्रिक इलनेसेस? और जैसे हम जिस भी पर्सन की, अगर फैमिली में किसी को साइकेट्रिक प्रॉब्लम आई तो उसे लगता है कि शायद वही एक पर्सन है जिसको ये है और मे बी वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा हो गया और इसलिए वो हेल्प सीक भी नहीं करता, क्या ये बहुत कॉमन है? कितने परसेंटेज लोगों को इंडिया में खासकर कोई भी तरह की मानसिक परेशानी है? देखिए, हम तो कहते हैं कि एवरी 3rd to 4th पर्सन सफर्स फ्रॉम सम ऑर दी अदर मेंटल इलनेस, मतलब ऑलमोस्ट 1/4 पॉपुलेशन एट वन पॉइंट इन टाइम इज हैविंग सम और दी अदर मेंटल हेल्थ इशू। ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह से स्किजोफ्रेनिया और डिप्रेशन ही है, लेकिन वो स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, एंग्जाइटी से गुजर रहा होता है। तो हम तो कहते हैं कि 1 in 3 to 4 इंडिविजुअल्स इज गोइंग थ्रू मेंटल इलनेस। ये काफ़ी कॉमन है, बहुत ज़्यादा। प्रॉब्लम ये है कि इसके एग्जैक्ट फिगर्स आपको हर जगह अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि आपने जैसे कहा कि वो किसी को रिपोर्ट ही नहीं करता, जाके बताता ही नहीं है, तो वो स्टैटिस्टिक्स में आएगा ही नहीं। लेकिन ये बहुत कॉमन है और क्योंकि हेल्प सीकिंग बिहेवियर नहीं है, इसीलिए ये बहुत गलत तरीके से रिस्पॉन्ड, मतलब समझ में आता है लोगों को।
मैं अगर साइकेट्रिस्ट के पास गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे नेबर्स क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स को पता चल गया मेरी फाइल किसी को दिख गई, या मेरे आगे मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स अफेक्ट ना हो जाए, ये बहुत लोगों को रोक देता है हेल्प सीक करने के लिए। इसे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो हमको पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये जो बिलीव्स है, जो स्टिग्मा है मेंटल इलनेस को रिलेटेड, इस वजह से कई बार पेशेंट हेल्प सीक नहीं करता। मानसिक तकलीफ ही किसी, ये दूसरी तरह की शारीरिक तकलीफ की जैसे ही है। अगर आपका शरीर बीमार हो सकता है तो मन बीमार क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए स्पेशलिस्ट्स है, डॉक्टर्स है, उसके लिए इलाज है, जिससे पेशेंट ठीक भी होता है। लेकिन हमारे समाज ने ही मानसिक तकलीफ जैसे क्या हो, इस ये स्टिग्मा या इस तरह के मिसकंसेप्शंस बनने के पीछे भी क्या है, मानसिक तकलीफों के ऊपर कई सालों तक रिसर्च ही नहीं था। ये तकलीफें क्यों होती है इस बारे में भी पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। अब बहुत सीधी सी बात है, जिस चीज़ के बारे में हमको जानकारी नहीं होती उस चीज़ का हमको डर होता है। तो इसके मैं ये कहूँगी कि इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लेंगे तो ये मिथ्स और स्टिग्मा बस्ट करने में फ़ायदा होगा। क्योंकि जब तक स्टिग्मा रहता है ना, तो पेशेंट हेल्प सीक नहीं करता, और अगर करता भी तो बहुत लेट करता है। मैम, अगर साइकेट्रिस्ट मेडिकेशंस कोई पर्सन खाए तो उसे कंटिन्यूस उसकी हैबिट हो जाएगी, वो उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा, और ख़ासकर ये मिसकंसेप्शन कि जो साइड इफ़ेक्ट है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डिसऑर्डर के जो इफ़ेक्ट फेस कर रहा है उससे भी ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए डिसऑर्डर के साथ ही सफ़र करो, मेडिसिन की तरफ मत जाओ। देखिए, साइड इफ़ेक्ट तो हर दवा के होते हैं। अगर आप इनफैक्ट आप जो खाना खाते हैं वो चीज़ में भी अगर आप ज़्यादा मात्रा में कोई मीठी चीज़ खाएंगे तो भी नुकसान होने वाला है, ज़्यादा मात्रा में तीखा चीज़ खाएंगे तो भी नुकसान होने वाला है। वही चीज़ अगर आप कम मात्रा में प्रोटीन लेंगे तो भी आपकी बॉडी बीमार होगी, कम मात्रा में शुगर लेंगे तो भी आपकी बॉडी बीमार होगी। तो साइड इफ़ेक्ट तो हर चीज़ के है, इवन खान पान के भी है। उसी तरह आपने देखा होगा बाकी की भी, जो अपार्ट फ्रॉम साइकेट्री दूसरे भी जो मेडिसिन होते हैं, जैसे पेन किलर्स है उससे कई लोगों को एसिडिटी होती है, एंटीबायोटिक्स है उससे गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी मछली जैसा आना होता है। तो साइड इफ़ेक्ट्स हर तरह की दवा के होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी साइकेट्रिक मेडिसिन है उनके साइड इफ़ेक्ट्स लाइफ थ्रेटनिंग कभी भी नहीं होते, इतने बड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। हाँ, सिडेशन या लिथार्जी कुछ ड्रग्स कॉज करते हैं, सारे भी नहीं। लेकिन अगर आप ये प्रॉपर डोजेज में, जैसे आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उन डोजेज में ले, तो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बहुत हद तक कम हो जाता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये जो आपने कहा कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो डिसऑर्डर है उससे भी ज़्यादा मात्रा में साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उससे अच्छा तो डिसऑर्डर लेके सफ़र हो लेकिन दवा मत खाओ। लेकिन डिसऑर्डर के साथ सफ़र होने से तो पेशेंट के लाइफ के सारे फैसेट्स ख़राब हो जाएंगे, वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ, हर चीज़ ख़राब होती है। दवा लेने के साथ सपोज़ आपको 10-15% साइड इफ़ेक्ट भी हुए, लेकिन आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है। और बहुत सारे साइकेट्रिक मेडिसिंस जो है उनमें बाद में पेशेंट में टॉलरेंस डेवलप होता है, मतलब पेशेंट को उस दवा का क्लिनिकल इफ़ेक्ट दिखता है लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाते हैं। तो मेजॉरिटी SSRIs या एंटी डिप्रेसेंट्स और एंग्जियोलाइटिक ड्रग्स का तो ये है कि 8-10 दिन तक अगर हुए तो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होंगे, उसके बाद वो नहीं होंगे, सिर्फ क्लिनिकल इफ़ेक्ट ही दिखता है। तो मैम, आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, उनके कॉल आते होंगे जो सालों से, लाइक 5 साल 6 साल 10 साल से जो डिप्रेशन का शिकार है, उन्हें पता भी चल गया है क्योंकि ऑनलाइन में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि हाँ ये सिम्टम्स डिप्रेशन के है और उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, पर उन्होंने ठान रखी है कि कुछ भी हो जाए साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे, उसके अलावा वो मे बी और अल्टरनेटिव मेडिकेशंस है या कोई दूसरी थेरेपीज़ है या वो आयुर्वेदा है या होम्योपैथी है, बहुत सारी अलग अलग मॉडलिटीज़ ट्राई कर रहे हैं जिसका उन्हें बहुत खास इफेक्ट नहीं आ रहा, पर वो सफ़र भी करते रह रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जो सालों से सफ़र करते आ रहे हैं, साइकेट्रिस्ट को देखना नहीं चाहते सिर्फ इसलिए कि स्टिग्मा है, डर है, फियर है लोग क्या कहेंगे या साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे, उनको आप क्या मैसेज देते हो कि वो क्यों हेल्प सीक करें? देखिए, जहाँ तक हमारे इंडियन लॉ का सवाल है, यहाँ पे एक लीगल प्रोविज़न पेशेंट के लिए की गई है। साइकेट्री या कोई भी और मेडिकल फ्रेटर्निटी, लेकिन स्पेशली साइकेट्री में, कि पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप जो है ये कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप है। जो भी प्रॉब्लम पेशेंट डॉक्टर के पास लेकर आता है, साइकेट्रिस्ट के पास लेकर आता है, ये साइकेट्री के ऊपर लीगल अबाइडिंग है, लीगली अबाइडिंग है कि वो पेशेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखे। अगर पेशेंट कहता है कि मैडम ये प्रॉब्लम मुझे किसी और के साथ शेयर नहीं करना,
तो पेशेंट ये चीज़, मतलब डॉक्टर ये चीज़ को पूरी तरह से गोपनीय रखता है। अगर कल को जाके ऐसा होता है कि सिर्फ दो या तीन सूरत में ही ऐसी चीज़ है कि डॉक्टर ये इन्फॉर्मेशन किसी को डिस्क्लोज़ करता है, पहली बात अगर पेशेंट अलाउ करता है तो, दूसरी बात अगर डॉक्टर के पास कोर्ट ऑर्डर है तो, अगर मजिस्ट्रेट या कोर्ट ने बोला कि ये पेशेंट आपके पास आया था क्या, इसके बारे में कोर्ट ने इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो डॉक्टर दे सकता है। और तीसरी बात अगर पेशेंट की जान को खतरा है तो, अगर पेशेंट डॉक्टर के पास सुसाइडल आइडिएशन बोलता है या होमिसाइडल आइडिएशन, मतलब वो सोच रहा है कि वो अपनी जान ले ले या किसी और को जान ले ले, तो उस सूरत में पेशेंट ये, या फिर अगर पेशेंट सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार है या रेप का शिकार है, तो इस हालत में डॉक्टर ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करता है। लेकिन ये सिर्फ ड्रास्टिक सिचुएशंस है जो एक्सेप्शनल है। अगर पेशेंट डॉक्टर के पास आ रहा है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स डॉक्टर के साथ शेयर कर रहा है और हेल्प सीक कर रहा है, तो इट इज़ लीगली अबाइडिंग ऑन द डॉक्टर टू कीप द कंसल्टेशन कॉन्फिडेंशियल। तो पेशेंट इस बारे में बेफिक्र रहे कि उनकी ये प्रॉब्लम वो किसी और को डिस्क्लोज होगी या बदनामी होगी या ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ये कंसल्टेशन डिस्क्लोज नहीं करता। तो हम वाइंड अप करेंगे कि जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, प्रॉब्लम्स है जिनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, अगर आप जितना पहले जाए तो उतना जल्दी ट्रीटमेंट होगा, आप जितना डिले करेंगे ट्रीटमेंट उतना लंबा होगा, मेडिसिन उतने ज़्यादा लंबे टाइम तक खाने लगेगी। जिस चीज़ से आप दौड़ रहे हो उस चीज़ को आपको बाद में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं या आप सफ़र कर रहे हो, आपसे नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट को विज़िट करें, हेल्प सीक करिए। हेल्प सीक करने में कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म नहीं है, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि सफ़रिंग में बहुत ज़्यादा बुराई है। और सफरिंग, आप सफरिंग के लिए नहीं बने हो, आप पैदा हुए हो हैप्पीनेस से जीने के लिए, इसलिए ज़रूर हेल्प को सीख करिए। तो दोस्तों हम थैंक्स करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर विभावरी पाटिल का, और फिर से हम अगले हफ्ते में एक और वीडियो लेके आएंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर। तब तक देखते रहिए लाइफ कोच।